पीपीएफ समेत दूसरी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने का फैसला वापस, पहले की तरह मिलता रहेगा फायदा। उससे पहले अगर आप लोग हमारे एक्सप्लोर हिंदी चैनल पर नए हैं और नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटी को दबा दे ताकि आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। चलिए आपको बताते हैं कि 2021 में स्मॉल सेविंग स्कीम्स सरकार ने 31 मार्च को पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि जैसी सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया था और आज इस फैसले को वापस ले लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के इस फैसले की जानकारी खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। सरकार ने 31 मार्च को पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि जैसी सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया था और आज इस फैसले को वापस ले लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के इस फैसले की जानकारी खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। वित्त मंत्री ने लिखा है कि भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज उसी दर पर मिलता रहेगा जो 2020-21 की आखिरी तिमाही में मिल रहा था, यानी मार्च 2021 तक जो ब्याज मिल रहा था वही ब्याज आगे भी मिलता रहेगा। कल जारी हुआ आदेश वापस लिया जाता है। सीनियर सिटीजन्स को भी राहत। आपको बता दें कि छोटी बचत योजनाओं को सरकार हर तिमाही नोटिफाई करती है। बुधवार सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2021 तक मिलने वाली ब्याज दरों को रिवाइज किया था। सरकार ने बुधवार को 5 वर्षीय सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरें भी 0.9% घटाकर 6.5% कर दी थी। हालांकि अब पुरानी ब्याज दर ही लागू रहेगी। सुकन्या समृद्धि पर भी ब्याज दरें पुरानी दरें लागू रहेंगी। पहली बार सेविंग्स डिपॉजिट की ब्याज दरें 0.5% घटाकर 3.5% सालाना कर दी गईं। पहले ये 4% सालाना की दर पर मिलती थी, अब इसी दर पर मिलती रहेगी। बुधवार को बालिकाओं के लिए बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज 2021-22 की पहली तिमाही के लिए 0.7% घटाकर 6.9% कर दिया था। किसान विकास पत्र पर सालाना ब्याज दर 0.7% कम कर 6.2% कर दी गई थी। अब इस पर पहले की तरह ही 6.9% ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्रालय ने 2016 में ब्याज दर तिमाही आधार पर तय किए जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल से जुड़ी होंगी।